परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। द्विदर्घमय मध्ये गत संगीत समुद्रं दृश्यमे गातं साधकानुग्रहार्थं श्रुतिश्रिष्यो मान्तं बोध मार्तांड मूर्तिं शमित्यमिर शोकं से गुरुं भावयामि हृत्यं विजय कर्णिकमदस्थं सिंहासने श्रीपद्यं मूर्तिं ध्यायकुलं शिक्षाकार चित्पुस्तिका विष्टवरं दधानं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यायामि। आज के दिन यहाँ भंडारा में भंडारा साधकों के कहने पर हमने यह शिविर दिया। जब शिविर के लिए ठाकरे जी और उनके सभी साथी आए थे तो बोले कि गुरु जी कौन सी साधना इस बार आप देंगे। बहुत विचार में रहा कि आज तक कौन सी साधना नहीं दी, नई साधना कुछ भी प्रदान करेंगे, ऐसा सोच रहा था। फिर भी मैंने ठाकरे को कहा आप जाओ, मैं जाने के बाद कौन सी साधना मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो एक दिन रुको मैं साधना आपको बतलाता हूँ। बात यह हुई कि उस दिन रात में माताजी के कोई रिश्तेदार थे, उनका बच्चा बहुत बीमार था, उनको हमारे पर बहुत विश्वास था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप आकर एक बार हॉस्पिटल में बच्चे को देखकर जाओ, शायद वो ठीक हो जाएगा। उनकी आंखों में आंसू थे। अब रहे माताजी के भी संबंध है, तो मैंने कहा ठीक है हॉस्पिटल जाएंगे। हम हॉस्पिटल गए, वो बच्चों का दवाखाना था। देखते क्या है कि बहुत सारे बच्चे, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई झूले में डाला हुआ है, सभी यहाँ या वहाँ वायर लगाए हुए हैं, सब जिधर उधर सुइयां लगाई हुई है, कोई ग्लूकोज चढ़ा रहा है, कुछ चढ़ा रहा है। हम उस बच्चे के पास गए जो माताजी के रिलेशन में थे, छोटा बच्चा था, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो वो जो उनकी माँ थी, उनके रिलेशन थे, माताजी को पकड़ कर रोने लगे और कहने लगे देख बेटा कितना छोटा बच्चा है, उसको सारे किसी तरह चुभे हुए हैं, उसका क्या होगा, तेरे पति को बोलना कि इसको अच्छा ठीक कर दे। मैं प्रश्न में पड़ गया, अरे यार कहीं भी कोई भी आता है कुछ भी हुआ गुरुजी कुछ करो ना ठीक हो जाएगा कुछ करो ना। मैंने देखा, पत्नी भी मेरे तरफ देखी और बाद में उस बच्चे को देखने के बाद माताजी की आंखों में भी आंसू आए। अब माताजी की आंखों में आंसू देखने के बाद तो दया आती आती आई। फिर मैंने देखा कि क्या, माताजी ने कहा कितने बच्चे हैं देखो, कैसे सब कैसे पड़े हुए हैं। मैं बोला मैं आने के बाद बहुत देर विचार करता रहा कि अरे यार ऐसा रहे होने पर हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जो कुछ भी है, कुछ भी पूजा वगैरह है, मैं ज़रूर करूँगा, देखकर बता देता हूँ कि क्या करना है। हम वहाँ से आए, आने के बाद रात में श्रीमद देवी भागवत निकाल कर पढ़ रहा था। श्रीमद देवी भागवत पढ़ते हुए एक घटना ऐसी आई कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो उनके पोते जो थे धृतराष्ट्र पांडु और इनकी शादी करनी थी। धृतराष्ट्र अंधे रहने के कारण कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, पांडु द्रावीद थे उनको लिए भी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भीष्म को वंश की वृद्धि के लिए शादी कराना ज़रूरी था। तो उन्हें पता चला कि अंबिका अंबालिका आदि धृतराष्ट्र और उनके अपने सत्यव्रत नाम के उनको अंबा अंबालिका और ये वधुओं का स्वयंवर हो रहा है। तो भीष्म ने कहा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं उस राजा को अगर सुनता है तो ठीक है, नहीं तो उन बच्चों को उठा के लाकर यहाँ कुरुवंश की वृद्धि के लिए मैं उनकी शादी करवा दूँगा। अब वो विचित्र वीर राजा थे, उनकी शादी होनी थी। भीष्म उस स्वयंवर की जगह गए और उस राजा से कहा कि जो मुझमें युद्ध से जीतेगा वो इन लड़कियों से शादी करेगा, नहीं तो मैं इन लड़कियों को ले जा रहा हूँ। सभी को उनकी वीरता के प्रति सभी को ज्ञान था कि वो कितने वीर थे, कैसे थे। और उनने कहा कोई भीष्म के विरुद्ध उठकर खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। भीष्म ने उस राजा के सामने उन तीनों लड़कियों को उठा लिया, अपने रथ पर बिठाकर लेके आए
और उस विचित्र वीर्य जो उनके सत्यवती के पति या सत्यवती के बेटे थे उनसे शादी करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की और आए और शादी संपन्न करवा दी। शादी संपन्न करवा दी तो अम्बा, अम्बालिका और अंबिका ये तीनों भी बहुत क्रोधित हो गए कि इन्होंने अपने भुजबल पर केवल यह भी नहीं देखा कि हमारी इच्छा क्या है, हम क्या उनसे कैसा शादी करेंगे या शादी नहीं करेंगे, ये इच्छा भी उन्होंने देखी, हमारे को उठा के लगा और ज़बरदस्ती शादी संपन्न करवा दी। अंबिका और अम्बालिका की शादी हुई तो लेकिन अंबिका एक शादी न करते हुए वो वहाँ से भाग खड़ी हुई और तपस्या को चले गई और उन्होंने कहा कि मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ भीष्म कि तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी क्योंकि तुमने हमारे पर ज़बरदस्ती की है और जीवन भर वो लोग कोसती रही कि तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध तुमने शादी करवाई है, ऐसी कोसती रही कि तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। भीष्म वीर थे, उन्होंने उस बात को उतना ध्यान नहीं दिया, कहा मुझे कौन मार सकने की, मैं तो इच्छा मृत्यु प्राप्त करने वाला हूँ, जब इच्छा चाहता हूँ तब मरूंगा, मुझे कौन मार सकता है और इनका शाप मुझे क्या काम कर सकता है। भीष्म के गुरु परशुराम थे इसलिए उनको उतना ये नहीं था कि मुझे कोई बिगाड़ मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उनका जो कोसना था अंबिका अम्बालिका का और भीष्म जब युद्ध में पूर्ण तरीके से जब अंबिका शिखंडी के रूप में आकर रथ में खड़ी हो गई तो भीष्म ने कहा था कि मेरे सामने अगर कोई नपुसक आकर खड़े हो जाता है तो मैं मेरे धनुष और बाण को छोड़ दूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण को यह ज्ञात था और कृष्ण ने उस शिखंडी को जो नपुसक थी उसको रथ पर आकर खड़ा कर दिया और भीष्म पितामह ने अपने बाण धनुष बाण दोनों भी छोड़ कर रख दिए। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखता क्या है, चल बाण मार उनको। अर्जुन ने भीष्म को बाण मारे, भीष्म इच्छा मृत्यु को चाहते थे, इतने बाण मारे कि उनको देखकर वो नीचे गिरे तो बाणों की शैया पर गिरे, इतने बाण उनके शरीर को लगे हुए थे। तो उस बाण की शैया पर सोते हुए कृष्ण को देखकर कहते हैं कि हे कृष्ण, इतना इच्छा मृत्यु वाला मैं, इतना दार्ढ्य रहने वाला मैं, इतना वीर मैं, इन बाणों के नौकों पर सोया हूँ, सारे बाण मुझे चुभ रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, अगर आप कुछ न माने तो मैं एक बात बता देता हूँ। क्या? कि तुमने जब अम्बालिका और अंबिका को उठा के लाया था तो वो अपने मन से तुम्हें शाप दे रहे थे, कोस रहे थे और ये कोसना ही चुभना है और जो अकारण हो, बिना कारण के किसी को कोसता है तो उसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कांटा चुभता ही है और उसे शूल कहा गया है। शूल का मतलब है कांटा, कांटा का मतलब है चुभना और कांटे का काम ही होता है कि वो चुभते रहता है, चाहे वो बाण हो, कांटा हो, सुई हो, कुछ भी हो, चुभते रहता है। भीष्म पितामह ने कहा तो क्या, तो उन्होंने कहा कि वो उनके जो बाण रूपी शूल थे वो तुम्हें आज शूल चुभकर इस बाणशैया पर तुम्हें निद्रित कर रहे हैं और तुम उस बाणशैया पर हो और वो तुम्हें उनके कोसे हुए वो बाण वो आज भी तुम्हें दुख प्रदान कर रहे हैं और तुम्हें एक चाहे तो तुम्हें फूल की शैया पर भी सुनाकर तुम्हारी इच्छा मृत्यु दे सकते थे लेकिन तुम्हें बाण की शैया पर इसलिए सुना उड़ा क्योंकि उनकी कोसी हुई वो बातें तुम्हें आज चुभ रही है और वो चुभेगी। तो इसके पीछे जब मैंने देखा कि भीष्म जैसा पितामह, परशुराम का शिष्य और इच्छा मृत्यु पाने वाला जब किसी के कोसने पर उनकी कांटों की शैया पर उसे सुना पड़ता है तो आज जो ये बालक या सुइयों के चुभे हुए बैठे हैं तो इन्होंने भी कोई ऐसी कोसने वाली बात गर्जन में की होगी तब इनको ये सुइयां चुभाई जा रही। आज मेरे पास यहाँ सब लोग आप जो बैठे हुए हैं कोई भी एक आदमी ऐसा बता दो मेरे को आज तक सुई नहीं चुभी हो, यानी कांटा का इंजेक्शन नहीं लगा हो, कोई भी एक आदमी। क्यों? क्योंकि हमने इस कलयुग में हम ऐसा कभी कोई दिल नहीं है कि हमने किसी को कोसा, अकारण किसी को गाली ना दी हो, अकारण किसी को चुभा ना हो, अकारण किसी को बात ना कहो, हर एक को सुई लगी हुई है, हर एक को शूल चुभा हुआ है, हर एक को शूल लगा हुआ है। तो इस शूल को लगने के कारण क्या करना चाहिए? और उसमें कृष्ण कहते हैं कि पूरे युद्ध में कृष्ण तुम भी तो थे लेकिन तुम्हें एक बाण भी नहीं लगा, इसका कारण क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि मैं अकारण किसी को कोसा नहीं इसलिए मुझे बाण लगा नहीं, और जो अकारण कोसते हैं उसको ये चुभना जरूरी उसकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है।
और हमारे जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसको सुई नहीं लगी हो, इसके ऊपर से आप पूर्ण तरीके से विश्वास करते हुए ये कहो कि हमने कोई ऐसे अकारण किसको गाली नहीं दी, अकारण किसको कोसा नहीं। अगर ये बात सही है तो एक बार ताली बजा दो। ऐसा एक व्यक्ति को बताओ जिसको बचपन से लेकर आज तक सुई ना लगी हो इस कलयुग में, ऐसा कोई नहीं हो सकता। और आपके जीवन में अगर ऐसा चाहते हो कि तुम्हें सुई ना लगे, शूल ना, शूल का मतलब है चुभना, कांटा, चुभने वाली चीज को, चाहे बातें बोलो तो मन को चुभती है और कांटे लगो तो तन को चुभती है, चुभने वाली तो है ही, और अकारण ये चुभने वाली बात जो कहते हैं उसे शूल का आगे। और शूल का निवारण केवल शूलिनी दुर्गा कह सकती है, और कृष्ण ने कहा था कि मैंने शूलिनी दुर्गा की साधना की है इसीलिए मुझे शूल नहीं लगते, और उन्हें श्री कृष्ण ने यह शूलिनी दुर्गा की साधना संपन्न की थी। यही कारण हुआ जब कृष्ण ये बात कह रहे थे तो आखिर दिन में, कृष्ण के आखिर दिन में जब वे अपना शरीर छोड़ना चाहते थे तो प्रभास क्षेत्र में जाकर अकेले घास में सो गए थे और उनका अंगूठा बाहर दिख रहा था, तो उसमें एक व्याध ने आकर उनके अंगूठे को खरगोश का कान समझकर बाण मारा और उनके अंगूठे को बाण लगा और श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्याग दिया। तब महर्षि व्यास जी आकर कहते हैं कि हे कृष्ण, ये शूल तुम्हें क्यों चुभा? तो कृष्ण कहते हैं कि बात अकारण मैंने गत जन्म में वाली को छुप कर मारा था, बाण लगाया था, और उसने कोसा था कि हे वीर, राम तुम्हारे वीर होते तो मुझे छुप के नहीं मारते, अकारण तुमने मुझे मारा है क्योंकि तुम मेरे सामने आते तो तुम्हारी शक्ति को देखता था और तुमने अकारण मुझे बाण दिया, इसकी शिक्षा तुम्हें मिलेगी। और वही वाली व्याध होकर कृष्ण को उस बाण से मारकर मारा था। यह कारण है कि शूल तुम्हारे जीवन में तन को या मन को छुपते ही रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गया, न सास ससुर को गया, न सास बहू को गया, न आजकल के बेटे माता पिता को गया, ना माँ मालिक को और नौकर को गया, न बास को या काम करने वाले को गया। ये तो काम हमारे जीवन में हो ही रहा है और हमें इस कलयुग में इस शूल चुभने वाली सुइयाँ हमारे जीवन में चुभ ही रही है किसी न किसी कारण, किसी न किसी विधि से, किसी न किसी तरीके से। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसा क्षण ना आए तो मैं उसमें श्री कृष्ण की कही उस बात को देखकर देखा था कि अगर भीष्म जैसा पितामह भी अकारण किसको दोष देता है तो उसको उस बाण की शूलों की शैया पर सोना पड़ता है, तो हम तो अकारण किसी को कितनी बातें कहते हैं, ये हमारे जीवन में होता ही आया है। हम छोटे बच्चों को जब दवाखाने में, आजकल के दवाखाने में दिखते हैं तो बिना सुई का काम ही नहीं होता, या तो सलाइन चढ़ाओ, ग्लूकोज चढ़ाओ या सुई, बिना सुई के आपको काम ही नहीं होता। और ये सुई क्यों चढ़ती है और किस लिए चढ़ती है, और ऐसा आपके जीवन में चाहते हैं कि कम से कम आप बड़े हो तो सहन तो करेंगे, लेकिन पैदा हुए बच्चे या छोटे बच्चों को सुई लगती है तो उस माता पिता को जो प्रेम करते हैं उनको तो दुख होगा ही होगा, दुख तो होगा। हम इस दुख को, दुख का निवारण किस तरह कर सकेंगे? यही बात बहुत सारी जगह हम हमारे पूरा रामायण देखते हैं। एक मृकंड नाम के ऋषि थे, उन्होंने अपने देवता, अपने पिता को कहा था कि पितर जो होते हैं, हम कहते हैं कि नरक में जब यमधर्मराज के पास जाते हैं तो वहाँ सुइयों से चुभाया जाता है, शूलों से चुभाया जाता है, घरे शरीर से रक्त निकाला जाता है, और यह रक्त निकाला जाता है इसलिए कि तुमने तुम्हारे जीवन में किसी ऐसे अच्छे मनुष्य को तुमने बहुत दुख दिया होगा, तुमने दुख के कारण, दुख का कारण बना होगा। और उसी तरह मत्स्य कन्या सत्यवती भी थी जिसको व्यास महर्षि के पिता पराशर महर्षि ने ब्याह था, तो उनके जीवन में भी जब यह चुभने वाली बात हुई तो उनका वंशोद्धि नहीं हो रही थी और व्यास महर्षि को पूछा था तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो कहती है कि मैं मछलियों को खिलाने के लिए उसको कांटों के लगाकर मछली को पकड़ती थी और मछली के ऊपर का जो भी चमड़ा है उसको निकाल कर धोकर उसका मांस खिलाती थी, और ये जो चुभने वाली मैंने मांस की बात की इसलिए मेरे वंश को वो देखना पड़ा और मैंने वंश में बात किया है जो मछली के चमड़े को निकाल कर उसका मांस बनाती थी उसलिए मेरे जीवन में यह भोगना पड़ा, मेरे वंशस्थ लोग नहीं थे, बिना वंश के मेरे लोग आए जो व्यास महर्षि से धृतराष्ट्र और इनका जन्म हुआ, पांडु महर्षि का, पांडु राजा का, विदुर का, यह क्यों हुआ? तो यह गलती जो मैं मछलियों को मैंने अकारण दोष देती गई, अकारण धोती गई, अकारण उसका मांस पका कर देती गई, ऐसे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम अकारण किसी को दोष देते हैं, उस दोष को निकालने के लिए शूलिनी दुर्गा की साधना करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा क्षण ना आए, ऐसा क्षण ना आए कि हमारे को किसी भी अस्त्र शस्त्र या किससे लग कर चुभ कर हमारा मरण हो। जैसे बिच्छू का काटना, सांप का काटना, सांप किससे काटता है? उसके दांतों से काटता है, चुभता है, चुभने के बाद ही मरण होता है। ऐसी जीवन में घटनाएं न आने के लिए शूलिनी दुर्गा की साधना, मैंने उस
महाभारत में माता के माता जी के कहने पर मैंने ढूंढा कि ऐसा जीवन में ना हो तो हमें इसके लिए क्या करना है। ऐसा कोई ना हुआ कि हमारे 2-3 साल में कोरोना आया और इंजेक्शन ना लिया हो। कोरोना तो आया ही आया और उसने हमारे को रोग हो ना हो हमारे को सुई तो चुभानी पड़े ही पड़ी, सुई तो चुभी ही चुभी। और ये कारण जो हमारे जीवन में होता हो आया इसके पीछे भी क्या कारण है हम कभी नहीं सोचते। ईश्वरीनी दुर्गा की साधना को राधा जी ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान राम ने भी किया और इन सभी के करने के बाद भी हम पूर्ण देखते हैं कि हनुमान जी ने भी इस साधना को की। पूर्ण रामायण में ऐसा कहीं नहीं देखते कि उतने बाण छोड़ने पर भी राम कहीं घायल हो गया और उसको उनको राम को बाण लगा और राम के शरीर से खून निकला। हनुमान जी को बाण लगा और हनुमान जी के शरीर से खून, हनुमान जी ने अपने शरीर में राम सीता को रहते हैं इसलिए अपने रखों से छाती काट कर राम लक्ष्मण को बताया लेकिन उनको रक्त निकला ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया। तो ये सब उसकी साधक थे जो शूलिनी दुर्गा की साधना करने वाले थे जिनको कभी कोई शूल कभी चुभा नहीं। और शूल चुभने का अर्थ होता है कि हम अकारण किसी को द्वेष करना, अकारण किसी को गाली देना, अकारण किसी के मन को दुखाना, ये जो चारी हमारे जीवन में और ये होते ही होते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण हो और कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें हमें वैसा करना पड़ता है। और वो जिसका मन दुखा हो ये जिसका तन दुखा हो वो अकारण हमारे को कोसता है कि तुम्हारे जीवन में ये कारण हुआ। तो ये ऐसे साधक जो अपने जीवन में ऐसी घटनाएं ना घटें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे शरीर को किसी प्रकार का दुख प्राप्त ना हो या किसी प्रकार का शूल ना चुभे, कोई चुभने वाली बातें ना हो, तो यह शूलिनी दुर्गा की साधना उसका उपशमन है। और जिस दिन माता जी ने यह बताया था कि शूलिनी दुर्गा की साधना करने पर, मैंने देखा है भागवत में कि शूलिनी दुर्गा की साधना करने पर किसी को यह इंजेक्शन लगना या चुभना, चुभने के कारण निवारण होना ये नहीं होता। फिर हम दूसरे दिन गए शूलिनी दुर्गा का स्तोत्र पढ़े और उसके बाद हमने उस बच्चे के ऊपर हाथ फिरा। मैं तुम्हें आश्चर्यजनक बात कहता हूँ कि उसको दूसरे दिन ही वो सारी सुइयाँ निकाल कर उसको घर भेज दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी मेरे जीवन की कि शूलिनी दुर्गा के मंत्र में इतनी श्रेष्ठता है मैंने देखा कि यह एक दुर्गा, क्योंकि माता जी दुर्गा माताओं के नवदुर्गाओं के रूप भी अलग अलग है, जैसे चंद्रघंटा आदि रूप है वैसे ही विजय दुर्गा है जो विजय को प्राप्त करने वाली शूलिनी दुर्गा है। और ऐसी प्रकार की हर एक दुर्गा अपने बच्चों को माँ की तरह पालन करने में वो तत्पर है और वो कभी कभी अवतार लेते हुए ऐसी समस्याओं का निराकरण करती है। हमारे जीवन में हम कभी ऐसी स्थितियों से गुजरे तो तब हमें क्या करना चाहिए और हमारे आने वाले जीवन में हमारे पोते पोती हमारा जीवन भी ये सुइयों के बीच ना गुजरे, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने वो देखा कि शूलिनी दुर्गा साधना है, देखता हूँ क्या कि ये शूलिनी दुर्गा कब साधना करनी चाहिए। ठाकरे जी आए थे और बोले थे कि गुरु जी कोई ऐसी साधना दो, तो मैंने कहा कि कोई आज तक नहीं दी हुई साधना को देंगे। तो मैंने देखा कि माघ शुद्ध पंचमी हो और उस दिन शूल योग हो, शूल या गंड योग हो, उस दिन शूलिनी दुर्गा की साधना करनी चाहिए। आप एक बार पंचांग निकाल कर देखो, आज माघ पंचमी है और शूल योग है और कल गंड योग है, इस दिन अगर इस शूलिनी दुर्गा की साधना करते हैं तो शायद मैं कहता हूं कि उसको सुई चुभने की जीवन में उसके सुई आगे साधना करने के बाद की बात कर रहा हूं, पहले बात नहीं, साधना करने के बाद उसके जीवन में ऐसी स्थिति ना आएगी, ना उसके बच्चों को कभी सुई लगेगी ना लगनी चाहिए जो ये साधना संपन्न करता है। आज शूल योग है और कल गंड योग है और आज पंचमी है, माघ शुद्ध पंचमी है, आज के दिन ये शूलिनी दुर्गा की साधना, शायद फिर ये योग आए ना आए, अगर हम हमारे जीवन में करते हैं तो किसी की बातों को चुभती हुई बातों को मन को लगा लेने वाले जीवन ना गुजारें और कोई ऐसा जीवन ना गुजारें कि जो हमारे शरीर को सुई लगकर हम बीमार हो जाएं। और सुई लगकर आज तो कोई भी बीमारी बिना सुई के तो कम नहीं होती, लेकिन बीमारी ही ना आए और सुई ही नहीं लगे, तो इसके लिए शूलिनी दुर्गा साधना हमारे जीवन की उत्कृष्ट साधना है। जो इस साधना को संपन्न करता है उसके जीवन में ऐसी स्थिति ना आए और ना ही आएगी भी। हम देखते हैं कि सारी चीज़ ने, जैसे मैंने मृकंड महर्षि के बारे में भी कह रहा था, तो उस ऋषि ने कहा था कि हमारे पितरों को नरक यातना भोगने पड़ रही है, उनको शूलों से चुभाया जा रहा है और इस शूलों से चुभाए जाने में मेरे पितरों को उसकी उस नरक यात्रा से किस तरह बचाया जाए। तो तब यम धर्मराज कहते हैं कि जो इस शूल को अपने ऊपर जो बेटा लेता है, जो चुभो लेता है, उसके पितरों का उस नरक से यातना से बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने एक शूल पर खड़े रहकर तपस्या शुरू कर दी थी ताकि उनके पितरों का उद्धार हो।
नीचे शूल लगाकर उस शूल पर के ऊपर खड़े होकर वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन गलती से हुआ कि सुमति नाम की एक साध्वी स्त्री उसके पति के कहने पर रात में उनको टोकरी में उठाकर वेश्या के पास ले जा रही थी और उसने नहीं देखा और उसका पांव उस त्रिशूल को लग गया और त्रिशूल जैसा ही हटा उस मृकंड महर्षि त्रिशूल के ऊपर गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तेरा पति कल सुबह को ना देखेगा, ऐसा श्राप दिया। तो उस त्रिशूल के कारण उनकी मृत्यु होने से उनके पितरों की वृद्धि के लिए फिर सुमति ने भी उनको बचाया और उनके पितरों को नरसिंह भी बाद में निकाला गया। और माता अनुसुईया देवी ने और सुमति ने उस शूलिनी दुर्गा की साधना संपन्न की और कहा कि इस शूलिनी दुर्गा को तुम्हारे पितर अगर नरक यातना अनुभव कर रहे हैं तो जो शूलिनी दुर्गा की साधना करता है उन नरक यातनाओं से बाहर आएंगे, उनको नरक यातना भोगनी नहीं पड़ेगी, उन पितरों को श्रेष्ठता के साथ उनका जीवन होगा। कहते तो ये हैं कि जिसने शूलिनी दुर्गा की साधना संपन्न की आज के दिन वह इस संसार में एक विशिष्ट स्थान यह प्राप्त करेगा कि उस शूलिनी दुर्गा का मंत्र बनकर अगर बिच्छू काटा हुआ है तो उसके ऊपर अगर हाथ फेरेगा तो उस उसको उतर जाएगा, ऐसा कहा गया है। चाहे विज्ञान मानता हो या ना मानता हो, जो हमारी पहले से हम अब जंगलों में देखते हैं सर्प काटता है या वो गांव वाले होते हैं या जंगल में रहने वाले निवासी क्या करेंगे, वो लोगों के पास कौन सी या तो दवा लगाते हैं नहीं तो कोई मंत्र फूंक कर मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विष उतर जाएगा। तो कहते हैं कि यही वो मंत्र था शूलिनी दुर्गा का मंत्र जिसको पढ़कर उसके जीवन में अगर हमारे ऊपर कोई अकारण गाली देता है तो तुम्हारे मन में उस शूलिनी दुर्गा का मंत्र करो, जिसने अकारण तुम्हें गाली दी है वो अगर तुम्हें जरूर निश्चित रूप से क्षमा मांगेगा कि मेरे तरफ से गलती हो गई और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। हम तब तक शांत नहीं होते जब तक किसी ने अकारण हमें गाली दे दी और वह आनंद के साथ जी रहा है तो हमारा मन भी दुखी होता है, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग ले कि मैं तुमने अकारण गाली दी है तो तुम्हें भी शांति मिल जाती है, तुम्हारा मन को शांति मिलती है। उसी तरह तन और मन की शांति के लिए इस शूलिनी दुर्गा की साधना श्रेष्ठतम कही गई है और श्रेष्ठता कही गई। मैं वैसे देखा हूँ कि आज हमने शिविर ही आरंभ किया है 3 बजे और अभी हम देखते देखते 4 या 5 बज जाएंगे, फिर आप इस जंगल से आपके गांव को जाने की बात करेंगे और उसके बाद आपके समस्याएँ उसको सब देखने के लिए जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज के दिन इस सूर्य योग के दिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके पितर, आपके घर के लोग, आपके छोटे बच्चे बिना सुई लगे अपना जीवन जिए और एक आनंद के साथ जीवन जीने की कृपा करें, तुम्हारे मन को कोई दुखाने वाली बात ना हो, अगर हो भी तो इस शूलिनी दुर्गा के मंत्र से उनके मन में शांति हो, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो इस शूलिनी दुर्गा की साधना आज आप निश्चित रूप से करो, क्योंकि इसका समय आज के समय में 6:30 बजे तक शूल योग है और कल गंड योग है। मैं हमारे ठाकरे जी ने कहा था कि गुरु जी आज का दिन साधना के लिए दे दो और कल के दिन समस्याओं के समाधान के लिए। मैंने उनसे कहा मैं किसी के घर के नहीं घर नहीं जाऊंगा, लेकिन समस्याओं का समाधान जरूर करूंगा। आज साधना संपन्न करो और कल इसका हवन करवाऊंगा, जो कल इसकी 108 आहुतियाँ घृत अन्न और शहद से डालेंगे, इसकी 108 आहुतियाँ निश्चित रूप से कहता हूँ कि उनके घर में सुई चुभाने की दिन उनको देखना ना पड़े, ना उनके बच्चों को ना उनको और उनको, ये बात जरूर कहता हूँ। कल हवन करवाऊंगा, आज आपको साधना संपन्न करनी है जो केवल उस मंत्र को 1008 बार पढ़ना है, 1008 बार पढ़ना है, कल 108 की उस आहुति को प्रदान करना है। मैं आपके जीवन में चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास आप अगर आकर कहते हैं कि आपके जीवन में जीवन की हर समस्या को मैं सुलझा सकूँ, हर समस्या को साथ मैं आपके संपर्क में रहूं और हर समस्या में आपके साथ भाग ले सकूं। आजकल दिन ऐसा हो गया है कि गुरुजी मैं आपको विश्वास करता हूं, मेरे को मेरा सर दर्द दे रहा है। अरे सर दर्द को और विश्वास को क्या, मेरा सर दे रहा है, मैं आपको विश्वास किया, मेरा सर दर्द नहीं कम हुआ। दूसरा कहता है गुरुजी मैंने आपको बहुत विश्वास किया है, मैं अभी भी जॉब नहीं लगी, अभी मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। अरे विश्वास किया है, मैं विश्वास के साथ साथ बोला हूं कि साधना भी करो, साधना करो, साधना करने के बाद देखो ना कुछ होता है। और ये बात मैंने नहीं की, बड़े गुरुदेव ने साधनाएं संपन्न की, संपन्न करवाई है। कहीं ये बात कहते हो कि मैंने विश्वास किया आपका सरदर्द कम हो जाए, आपकी बुखार कम हो जाए, तो ऐसा कैसे होगा। उसके साथ 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 मैंने खाना खाने के लिए कहा है, खाना पका कर तो दूंगा, लेकिन खाना आपको ही है, पचाना उसको आपको ही है, तभी शक्ति आएगी। लेकिन खाना दे देकर मैं कहूँ कि तुम्हारे को शक्ति आ जाएगी, इतने खाना सामने रखी नहीं शक्ति आएगी, खाना खाने के बाद पचाने के बाद शक्ति आएगी। उसी तरह मैंने कहा है तो मैं साधना ही तुम्हें देता हूँ, साधना तुम संपन्न करो और तुम्हारे जीवन में देखो कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि आप आज के दिन जिस साधना को प्रभु रामचंद्र जी ने, प्रभु हनुमान जी ने और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने, माता राधा जी ने यह साधनाएं संपन्न कर अपने जीवन को सुखमय बनाया, 8
भार्याएं होने पर भी, 16,000 गोपिकाएं होने पर भी, आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि उनमें कोई झगड़ा था। आज एक पत्नी को नहीं संभाल सकते, कृष्ण ने उतने पत्नियों को संभाला कैसे होगा? और उनको संभालना तो संभालना, हर जगह से उनको सुखी रखा होगा, तो किस तरह रामचंद्र जी हो और उनको हो, जंगल में रहकर भी माता सीता सुखी थी वाल्मीकि के आश्रम में, वाल्मीकि जी ने उनको कैसे सुखी रखा होगा? तो ये सब उस ऋषि परंपरा की देन है जिसे वो साधना के रूप में करते थे। और आपके जीवन में भी आप अगर साधनाएं करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखता हूँ कि गुरुजी हमें बहुत दुख होता है, हमारे को उसने ऐसी बात कही गुरुजी, मेरा अपमान किया। भाई अपमान किया तो उसको मान में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो मैं कहता हूँ तुम्हारी को उसके उस अपमान को मान में बदलने के लिए एक बार माता दुर्गा की प्रार्थना करके तो देखो, तुम देखो कि वो आदमी तुम्हें क्षमा मांगेगा, वह तुम्हें आदमी वह सांत्वना देगा कि मेरे से गलती होगी मानेगा, और तब उस पश्चाताप को हम हमारे मन में भी शांति होगी। हम इस प्रकार की इस शूलिनी दुर्गा की साधना को आज अगर हम 6 बजे से पहले संपन्न करते हैं तो मैं कहता हूं कि कल हवन करवाऊंगा। जिनको समस्याएं हैं, जिनकी हवन ना करे भी तो चलता है, साधना करने पर भी ये साधना सिद्ध होती है। मैं इससे पहले आपको गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूं, बाद में आप शूलिनी दुर्गा की साधना का यंत्र और माला लेकर मेरे सामने ही आज के दिन अगर 1000 बार उस मंत्र को बोलते हैं तो आप देखो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसे कोई समस्या नहीं आएगी, ना आपके बच्चों को, ना आपको, ना आपके पितर जो नरक में हैं या कुछ भी कर रहे हैं उनके जीवन में कुछ नरक प्राप्ति हुई तो उनको भी स्वर्ग प्राप्ति की एक विशिष्ट साधना संपन्न की हुई नजर आएगी। मैं पहले गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ, उसके बाद आप साधना सामग्री ला लेने के बाद उस साधना का मंत्र बोलता हूँ। पहले गुरु मंत्र की दीक्षा। मेरा वो सरदर्दी मेरी नहीं है, हवन के लिए कैसा करेंगे बोल रहा शिवा, वो सरदर्दी ठाकरे की है, उनको शहद ला लेकर देना और उनको शहद क्या आहुति 108 की आहुति दिलवाना, ठाकरे की सरदर्दी। मैं सिर्फ केवल बोलने वाला हूँ, शहद अपने आप ला लेना आप, बाकी का सामग्री मैं यहाँ लकड़ी ला लूँगा, लेकिन शहद जिसका उन्हें ला लो। अगर कल हवन में रहना है, अपनी आपकी इच्छा पूर्ण होनी है, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में ना आए तो कल आप शहद ला लो, मैं हवन सुबह जल्दी से जल्दी करूँ। पहले गुरु मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ, सब लोग हाथ जोड़ो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहो। बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पर रखो। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मेरे साथ मंत्र कहो, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र बोल रहा हूँ, बोलो ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रे ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदया। मैं गुरु मंत्र की दीक्षा दिया हूँ, सिर्फ ठाकरे और ठाकरे की पत्नी कोई भी 1000 फूलों से, जंगली फूलों से भी उस मंत्र को बोलते हुए वो दुर्गा यंत्र पर फूल चढ़ाएंगे, बाकी सब लोग 1000 मंत्र करेंगे। उसके बाद मैं शूलिनी दुर्गा का की शक्तिपात दीक्षा देता हूँ और कल हम उसका हवन करेंगे। आप सब लोग यंत्र और सामग्री जो भी इच्छुक है साधक वो ला लें, मैं अभी इसके बाद साधना का विधि बतलाता हूँ।